स्कूल गया तो मेरा जब सिक्स या सेवेंथ में था तो लोगों ने पूछा कि जो और दोस्त होते हैं वो बोलते थे कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो ये क्या मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो जब इससे सब पूछते थे तो ये कहता था मैं आर्टिस्ट बनूंगा, तो कहते थे तुम कैसे आर्टिस्ट बनोगे, तुम सबका घर कलर करोगे क्या। मुझे याद है कि वो स्कूल से आते ही 10-15 मिनट फ्रेश होने के बाद पेंटिंग या कोई भी अपना ब्रश उठाया कुछ भी बैठ जाता था और कम से कम वो लगातार 2 से 4 घंटे 4 से 5 घंटे पीने में कंप्लेन की अभी मुझे ये करना है और यार ये पेंटिंग क्यों करनी, जो मूड में आया लगातार अब फिर शुरू हो जाता। तो ये उस टुकाम और बोलता था कि मम्मा मुझसे ऐसे बात करते हैं लोग, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनना, लेकिन क्या आर्ट का यही एक ऑप्शन है। मैं कुछ सर्टेन नाम्स लेता था ये स्टैनली या इन लोगों के साथ कि मैं इनके साथ काम करूंगा, ये मेरे ड्रीम है, मैं लेगो के इसमें काम करना चाहता हूँ, इंटर्न में यहाँ करना चाहता हूँ। फिर जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तो ही डिसाइडेड कि वो कॉमिक कॉन इंडिया में हो रहा था और मुंबई में था, तो ही डिसाइडेड कि वहाँ जाके इसको अपने आर्ट एग्जीबिशन करनी है, अपनी आर्ट एग्जीबिशन। तो उसने कहा कि मम्मा मैं करूँ, कहाँ करो, तो ये फैन आर्ट बनाता था और ही वॉज द यंगेस्ट कॉमिक कॉन आर्टिस्ट एट दैट टाइम। कलर है, स्केच है, पेंसिल से बहुत उसने ट्राई किया एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि एक्सपेरिमेंट करता रहता था कुछ ना कुछ खुद से, कोई जरूरी नहीं था कि मैं होमवर्क या टास्क दूं। स्कूल के पेंटिंग होमवर्क से बहुत अलग होते थे इसके काम। Compulsive disorder where the person is more obsessed, more compulsive about his day-to-day routine, about his behavioral part. When he is more obsessed to do many, many things in a very, very correct order, these persons are more perfectionists. Again, very, very baseline thing is lots of anxiety in their mind. They are very, very anxious person. And what is going to happen if the things are not done according to their way, the things are being kept here, even if it's shaken from its place, they tend to get agitated, irritated. These are the things found in obsession. They are more particular about the cleanliness part. Nihal as a person has been following him since very long. He is quite bright, quite intelligent even. But suddenly, one day he said that he is afraid of these colors. There are fear factors, phobias, fear are associated. In homeopathy, there is a medicine known as sifilinum. Sifilinum, where typical phobias are found, more of a colors phobia. Again, one of the things in this phobia of fear is anxiety with uncleanliness. So these persons, they tend to wash their hands again and again. They are afraid that anything unclean may cause disease to them, so that is not very hygienic. And he also exhibited these symptoms to me, so I thought sifilinum would be a very correct medicine. जब ओसीडी का पता चला तो बहुत सारी बिहेवियरल चेंजेस दिखाई दिए उसमें, जैसे सबसे मेजर जो था कि जो जिन कपड़ों को पहन के वो पेंटिंग करता था वो कपड़े उसने पहनने ही छोड़ दिए कि मुझे अब नहीं पहनना है, नए कपड़े लो, उसको अगले ही दिन उसको हटा देना कि अब मैं फिर इसमें भी पेंट लग गया, मैं नहीं पहनूंगा, कबर्ड से कपड़ों को हटवा देना, पेंटिंग्स को फाड़ देना, अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग्स भी उसको फाड़ते समय उसकी आँख में आंसू आते थे बट उसको रखना नहीं था, उसको नहीं चाहिए था क्योंकि उससे उसको दिक्कत हो रही थी। शावर करना, अगर कोई पेंटेड चीज़ दिख गई कहीं किसी के घर में वाइट वॉश भी हो रहा है और उसके सामने से भी वो गुजर गया तो वो भी देख के उसको दिक्कत होती थी, तो वो आके शावर करना, बार बार हाथ धोना, ये सारी चीज़ें उसको हुई। और सफ़र वो कर रहा था, साथ साथ हम भी सफ़र कर रहे थे।
We went to Nihal's place one day and we were just jamming again. And I think somebody wanted the keyboard because we were trying to record a song and he wasn't very keen to touch his own keyboard. So these were a couple of things that made me notice that, all right, I think he's, you know, probably going through something and it's a little difficult for him to probably do certain things the way he used to do it earlier, right? But I think as friends and as his family, all of us, I think we understood that these, you know, this is just a phase that he's going through and, you know, I'm sure he'd get out of it. I had this thing that he would, these things would just pass on and he would get much better and he would be fine. And I've always known him as a fighter and I've always known him as a passionate guy who really does what he really believes in. And I knew that nothing can stop him from doing what he really loves to do. अगर ये बात है तो इसको कैसे हम आगे लेके जाएं, कैसे सॉल्व करें, और मेरे दिमाग में ये बात हमेशा ही चलती थी। फर्स्ट थिंग होता है इस तरह की केसेस में लोग शेयर नहीं करते अपने फ्रेंड से या पेरेंट्स अपने ग्रुप में, कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता। ये अगर फीवर होता था, खांसी होती थी, वायरल था, तो आराम से डॉक्टर बन जाते हैं, सारे पड़ोसी दोस्त सब डॉक्टर बन जाते हैं। इस केस में इतनी आसानी से कोई शेयर नहीं करते कि यार ये ऐसा है तो क्या करना चाहिए। अंकल, हाँ बाबू, क्या हुआ? कलर हुआ है क्या आज? सब दिख रहा है वाइट वाइट मेरे को। नहीं, कलर किधर हुआ? पंछी बैठे हैं, कबूतर जाली पे और संडास किए हैं, वाइट वाइट आपको दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं, उधर दिख रहा है हमको। किधर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बाबू, बैठो आप गाड़ी में, मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? ठीक है, अच्छा, और सब आईडी लियो ना अपना स्कूल का। हाँ अंकल, लिया हूँ। ठीक है, अच्छा, गाड़ी में बैठो आप, टेंशन मत लो, मैं हूँ। ओसीडी का जो प्रोग्रेशन था वो मूवीज को देखना, बुक्स को पढ़ना, पेरेंट्स का बहुत ही केयरफुल हो जाना, बहुत ही उसके लिए लविंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जब भी वो चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं तो आप झुंझला नहीं सकते हैं। और मैंने एज ए मदर हमेशा देखा कि जब मैं झुंझलाती थी तो वो सवाल उसके और बढ़ जाते थे, उसका सरदर्द बढ़ जाता था, और जैसे ही मैं उसको लविंगली हैंडल कर लेती थी तो वो शांत हो जाता था। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो अपील करती है निहाल को कैप्टन अमेरिका की बात, वो है उसकी ह्यूमैनिटी, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस, जिसके जरिए वो अपनी फाइट करता है एज ए कैरेक्टर। और निहाल को भी लगता है कि वी ऑल शुड बी ट्रूथफुल एंड वी शुड वर्क टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये बात उसको बहुत ही, यू नो, बहुत ही पावरफुल लगती है, बहुत पॉजिटिव लगती है। और वो मेरे ख्याल से अपने, जब जैसे ही अपने प्रॉब्लम्स के पास से आता है तो उसको रिलेट करने की कोशिश करता है कि कैसे मैं अपनी इस पॉजिटिविटी के थ्रू ओवरकम कर सकूं।